जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं बलराम थरगर कमांडो। दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक रनिंग में स्पीड किस प्रकार बढ़ाई जाए, साथ ही स्टेप को कैसे खोला जाए। दोस्तों सात एक्सरसाइज में बताऊंगा आपको, अगर आप इसको कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो आपका स्टेप भी बढ़ेगा, साथ ही आपकी रनिंग का टाइमिंग इंक्रीज होगा। तो गारंटी आप एक महीने के अंदर में आपका 10 से 15 सेकंड कम होने वाला है। तो दोस्तों स्पीड को इंक्रीज करना है, स्टेप को बढ़ाना है, तो इन एक्सरसाइज के ऊपर आप ध्यान दे लीजिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। सबसे पहले एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पहली एक्सरसाइज के बाद सात एक्सरसाइज एक साथ की जाएगी। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखें और डेली इस एक्सरसाइज को फॉलो करें रनिंग के बाद में। से पंजे को आगे की तरफ फ्लिप करना है और वापस से कम 10 मीटर के अंदर में करना है आपको एक साइड। सेकंड एक्सरसाइज रेडी स्टार्ट। से पैर को ऊपर उठाना है, पूरा रिच करना है, जंप के साथ में वापस चेंज करना है, दोनों पैरों को भारी भारी से एक्सरसाइज देना है। दो एक्सरसाइज खत्म होती है, तीसरी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। रेडी स्टार्ट। इस प्रकार से पैर को पूरा ऊपर की तरफ उठाना है, ये आपका स्टेप खोलने में भी काम आएगा और आपका स्पीड भी बढ़ाएगा। पंजे के पैर के नीचे आपको ताली मारना है, पंजे आगे की तरफ उठना चाहिए। इस प्रकार से तीन एक्सरसाइज खत्म होती है। चौथी एक्सरसाइज रेडी स्टार्ट। इस प्रकार से घोड़े की तरह, जिस प्रकार से घोड़ा दौड़ता है पैर उठाता है आगे की तरफ, उसी प्रकार से इसके अंदर आपको पूरा घोड़े की तरफ आगे की तरफ पैर उठाना है। तो दोस्तों देख लीजिए, अभी आती है आपकी पांचवी एक्सरसाइज किस प्रकार से करनी। रेडी स्टार्ट। पूरा पैर को ऊपर उठाना है, क्रॉस में हाथ लगाना है और जंप के साथ में आगे की तरफ एडवांस करना है। पूरा पैर उठा रही, आपकी पांचवी एक्सरसाइज खत्म होती है। छठी एक्सरसाइज के लिए तो दोस्तों भी आप देखिए हमारी छठी एक्सरसाइज कौन सी है। पूरा पैर को पीछे की तरफ मारना है, हिप के ऊपर मारना है और आगे की तरफ एडवांस होना है। पहले जिस प्रकार घोड़े की तरह आपने आगे मारा था, अभी गधी की तरफ पीछे की तरफ पैर मारना है। अभी आपकी आती है सातवीं एक्सरसाइज, इस प्रकार से कर लिए देख लीजिए। पूरा एक एक स्टेप आपको आगे की तरफ एडवांस होना है। आपका रग पट्टे जब तक मजबूत नहीं होंगे आपके पैरों में ताकत नहीं आएगी। रग पट्टे मजबूत करना बहुत जरूरी है आपको रनिंग के लिए। आपकी थाई मसल्स, काफ मसल्स में पावर होना चाहिए और पावर के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अभी आप देख लीजिए नौवीं एक्सरसाइज किस प्रकार से कर रही है, सॉरी आठवीं एक्सरसाइज। आठवीं एक्सरसाइज में आपको क्या करना है देख लीजिए। पांच कदम डाल करना है आपको, पांच कदमों से पांच आपका थाई मसल हिलना चाहिए, काफ मसल हिलना चाहिए, आपका पूरा शरीर हिलना चाहिए, कंपन करना चाहिए। स्टॉप, एक बार और। रेडी स्टार्ट। पूरा बॉडी को नीचे झुका के इस प्रकार से स्टॉप। अभी लास्ट एक्सरसाइज बच जाती है 5 मीटर शटल। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, आपके शरीर के लिए, आपको शरीर के अंदर जान लाने के लिए। 5 मीटर शटल में जितनी ताकत आपकी थाइज में आएगी उतना ही आपको ज्यादा बेनिफिट रनिंग के अंदर होने वाला है। तो दोस्तों 5 मीटर शटल आपके लिए बहुत जरूरी है, देख लीजिए किस प्रकार से मारना है। क्रॉसिंग में हाथ लगाना है, 1 मिनट के अंदर में 1 मिनट आपको 60 सेकंड का काउंटिंग है, तो कम से कम 17 से 18 बार आपको मारनी है। अगर 17 बार 18 बार आप मार रहे हैं आपका बेस्ट टाइमिंग आएगा। इस प्रकार देख लीजिए जाना है, इधर डाउन होना है, हाथ क्रॉस में लगाना है, फास्ट करके देख लीजिए क्रॉस में हाथ लगा रहे दोनों बंदे, देख लीजिए इधर जा रहे तो ये वाला हाथ, इधर जा रहे तो ये वाला हाथ। 1 मिनट के अंदर 16 से 17 बार आपको कर रही है, याद लीजिए। इस प्रकार से जो बंदे कर रहे हैं इनको फॉलो करना है आपको। वीडियो को आप डाउनलोड करके रख लीजिए, बार बार आप देखते रहिए, यही एक्सरसाइज आप फॉलो करिए। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा वीडियो आपके लिए, आपको टाइमिंग किस प्रकार कम करना है और आपका रनिंग में स्टेप किस प्रकार खोलना है। दोस्तों इस एक्सरसाइज को 1 महीना फॉलो करिए, उसके बाद रिजल्ट मुझे बताइए। कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे वीडियो को आप लाइक करें या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बंदे तक वीडियो को पहुंचा दीजिए जिसकी तकलीफ आ रही है, परेशानी आ रही है और ठीक नहीं हो पा रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।